हाय दोस्तों, वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे। अब हमारे 1K सब्सक्राइबर जल्दी होने वाले हैं, तो हम Q&A 1K पर ही करेंगे। तो गाइस, तो आप आपके सारे क्वेश्चंस और डाउट्स रेडी रखिए और आने वाले वीडियोस में उन्हें कमेंट कीजिए। और चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। पर बुरुटो अपने बाकी दोस्तों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि उनके क्लास में ये ट्रेनिंग का सेशन होते रहता है। बाकी सारे बच्चे 3-3 के ग्रुप में अपनी ट्रेनिंग कुछ मिनटों में कंप्लीट कर रहे होते हैं। और बाद में बुरुटो और उसके साथियों की बारी आती है, जिसमें मिस्की और डेंकी होता है बुरुटो के साथ। पर डेंकी थोड़ा सा कमज़ोर होता है, जिसके कारण वो एक्टिविटी में थोड़ा सा लेट करता है। पर बुरुटो और मिस्की बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ जाते हैं, पर मिस्की को ये नहीं कर जाता। वो बार बार नीचे गिर रहा था, और यहाँ पर भी जब वो ऊपर चढ़ने लगे तो उसका पैर फिसल गया और वहाँ पे ये लटक गया। पर वो नीचे गिर जाता है और कहता है मैं ठीक हूँ। और अचानक बुरुटो के शेडो क्लोन्स आते हैं और उसे ऊपर ढकेलते हैं। बुरुटो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है, पर वो डेंकी का हाथ नहीं पकड़ पाता। पर मिस्की अपने हाथ को लंबा कर डेंकी का हाथ पकड़ कर उसे ऊपर लाता है, पर इसमें बहुत टाइम हो जाता है। बुरुटो कहता है हम ऊपर आ गए, पर उनका जो दिया गया टाइम था वो ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह इस आज का सेशन ख़त्म होता है। और ये टकला लड़का बुरुटो के पास आता है, कहता है तुम डेंकी को निकाल कर मुझे अपनी टीम में ले लो, क्योंकि डेंकी कमज़ोर है। पर बुरुटो कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, डेंकी बहुत अच्छा है। इसी बातचीत के बाद यहाँ पर शिनो सेंसेई सभी बच्चों को कहते हैं कि जल्द से जल्द एक लाइन में लग जाओ। और कोनोहामरु कहता है कि हमें अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी, तभी तुम बहुत अच्छे से मिशंस कर पाओगे। तभी बुरुटो और उसके साथी एक साथ यहाँ पर बैठकर खाते रहते हैं, और तभी यहाँ पर इन दोनों में थोड़ी सी बातचीत होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्लास ट्रैप होती है वो सोई हुई होती है। और तभी पीछे से मिस की आता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो क्लास ट्रैप कहती है हाँ मैं बहुत ठीक हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस की नीचे बुरुटो की तरफ आता है, कहता है कि चलो अब जाते हैं। तो बुरुटो और मिस की बुरुटो के घर पर आते हैं, और उसकी मम्मी कहती है कि तुम आ गए, ओ क्या तुम अपने दोस्त को साथ लाए हो। तो मिस की कहता है हाँ मैं ही हूँ उसका दोस्त। और फिर हिमावर कहती है अरे शायद सच में बुरुटो भैया पहली बार किसी दोस्त को अपने घर लाए। और उसके बाद बुरुटो कहता है ऐसी कोई बात नहीं। के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बुरुटो कहता है वाह मॉम इतना अच्छा खाना बनाया है, क्या तुम ये रोज़ क्यों नहीं बनाती, सिर्फ दोस्त या मेहमान आने पर क्यों बनाती हो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्की यहाँ वहाँ देख रहा होता है, और फिर वो बुरुटो के बेडरूम में आता है और कहता है कि हे तुम्हारे डैड होकागे है ना, मुझे पता है कि उन्होंने ही ग्रेट निंजा वॉर को ख़त्म किया था, वो बहुत पावरफुल है और बहुत ब्रेव भी, समझे बुरुटो। और बाद में वो खाने के लिए नीचे आते हैं और कहते हैं ए बुरुटो क्या अच्छा खाना है। और बुरुटो कहता है हाँ हाँ सिर्फ तुम आए हो इसीलिए ये बना है। फिर बाद में हम देखते हैं कि बुरुटो के डैड नारुतो घर पर आ जाता है, और बाद में वो खाना खाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो नारुतो का हेडक्वार्टर्स होता है वहाँ से उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है शिकामारू के शहर। तभी वो कहता है कि अब मुझे जाना होगा, और फिर बुरुटो कहता है डैड आप ऐसे नहीं जा सकते, आप हमेशा की तरह जा रहे हो। तो फिर नारुतो कहता है मैं हमारे विलेज का होकागे हूँ, सबको मेरी ज़रूरत है। तभी बुरुटो घर के बाहर भाग जाता है, और यहाँ पर मिस्की कहता है मैं उसका ध्यान रखूँगा, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद नारुतो कहता है शुक्रिया बुरुटो का साथ देने के लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर बुरुटो और मिस्की करते हैं। बुरुटो कहता है मेरे पापा हमेशा से ऐसे हैं, पर मिस्की कहता है ऐसा कोई नहीं, तुम्हारे डैड पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो होकागे जो है और होकागे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पूरे विलेज की, समझे बुरुटो आगे से ध्यान रखियो। और उसके बाद वो साथ में जाते हैं। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही ख़त्म होता लेंगे अगले एपिसोड में, और बहुत इंटरेस्टिंग वाले। तो चलो तब तक के लिए बाय।